हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। 22 टर्म्स यानी एन दे रखा है 22, एन दिया है 22, इन विच डी इक्वल टू 7, डी भी दे रखा है 7, एंड 22 टर्म इज 149। 22 टर्म दे रखा है यानी एन टर्म भी दे रखा है, ए 22, ये दे रखा है 149। हमें फाइंड करना है सम, यानी एस 22 फाइंड करना है, हमें एस 22 फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ए दे रखा है, ए नहीं दिया, डी दिया है, एन दिया है, हमें ए फाइंड करना है। इसके लिए हमें ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। इसमें ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए एन, ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, ए एन की जगह हम ए 22 भी ले सकते हैं। तो क्या होगा, ए एन को दे रखा है 149, ए फाइंड करना है, एन माइनस वन, एन दे रखा है 22, 22 माइनस वन कितना हो जाएगा 21, डी कितना है 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 149 इक्वल टू ए प्लस मल्टीप्लाई कर देंगे 147 यहाँ आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए कितना आ जाएगा 147 49 टू, तो ए आ जाएगा 2, ए 2 आ गया। अब फाइंड करना है हमें एस 22। एस 22 का फॉर्मूला क्या होगा, फर्स्ट टर्म मिल गया और लास्ट टर्म मिल गया, तो निकल जाएगा क्या, एन अपॉन 2। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है ए प्लस ए एन, एन कितना है, एन फाइंड किया हमने, एन तो दिया हुआ था 22 अपॉन 2, ए फाइंड किया था हमने 2, प्लस ए एन दिया था हमें 149, तो 2 1 जा 2 1 जा 11 हो जाएगा, ये हो गया 11, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई 149 प्लस 2 151 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से, 151 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 151 151 1661, ये आंसर आ जाएगा 1661, ये हो जाएगा S22 भी आ जाएगा और A2 भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। हमें एस 51 निकालना है, क्योंकि सम ऑफ 51 टर्म्स है एपी, क्योंकि एन दे रखा 51, वो सेकंड टर्म मतलब ए टू है हमारे पास 14, और थर्ड टर्म A3 ये दे रखा हमें 18। सेकंड टर्म क्या था, एन टर्म था हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी, एन टर्म यहाँ पे एन माइनस वन था, वैसे ही सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 2 माइनस वन यानी 1 डी, A3 क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन यानी 3 माइनस वन 2 डी, तो A2 को लिख सकते हैं हम A प्लस डी इक्वल टू 14, और A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 12। दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो A प्लस डी इक्वल टू 14, A प्लस 2D इक्वल टू 18, प्लस का माइनस 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 साइन चेंज करेंगे कट जाएगा, D माइनस 2D हो जाएगा माइनस डी, 14 माइनस 18 हो जाएगा माइनस 4, माइनस माइनस का आंसर D आ जाएगा 4, डी 4 आ गया, डी को पुट कर देंगे किसी में भी, ए आ जाएगा, डी को पुट करते हैं फर्स्ट में, तो ए प्लस डी कितना है 4 इक्वल टू 14, ए कितना आ जाएगा 14 माइनस 4 वहाँ जाएगा, ए इक्वल टू 14 माइनस 4 कितना आ जाएगा 10, ए आ गया, डी आ गया। अब फाइंड करना है एस 51, तो एस 51 क्या फॉर्मूला होगा, एन अपॉन 2 2A प्लस एन माइनस 1D, एन कितना है, एन 51 क्योंकि 51 टर्म निकालनी है, अपॉन 2 2A 2 इंटू ए कितना है 10, प्लस एन माइनस 1 51 माइनस 1 कितना हो जाएगा 50 इंटू डी कितना है 4, ठीक है, ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 10 टू 20 प्लस 54 जो 20 होता है 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 51 अपॉन 2 200 प्लस 20 कितना हो जाएगा 220 इंटू 220 मल्टीप्लाई कट जाएगा 2 1 जा 2 1 जा 2 0, 51 इंटू 110 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5610, ये आ जाएगा एस 51।